पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में अब तक 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 300 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड से रोज़ाना बारिश के बेहद ही खतरनाक वीडियोस सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो हल्द्वानी से सामने आया, जहां गौला नदी में हाथी के फंसे होने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाथी तैर कर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को IFS अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने ट्वीट पर शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर लोग सदमे में हैं। लोग इस वीडियो को देखकर हाथी की हालत पर अफसोस जता रहे हैं। क्लिप में हाथी को असहाय रूप से बाढ़ वाले क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करते देखा जा सकता है। वीडियो को 8000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। लोगों ने वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। बाढ़ को मानव निर्मित आपदा करार देने से लेकर हाथी की स्थिति के बारे में पूछताछ करने तक लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।